चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, सेट टर्सली फॉलिकल बना दिए, ठीक है। आपको मैं पूरा कहानी फिर से बताता हूँ। देखो बार बार कहानी क्यों बोल रहे हैं, आपको याद हो जाए पूरा ग्रेफेन फॉलिकल, और ग्रेफेन फॉलिकल का डेवलपमेंट याद हो गया तो फिर कल मैंने सोचा चुटकी में उड़ा देंगे, ठीक है। समझो, सपोज करो कि मैं गायनो हूँ, मेरे पास कोई फीमेल आती है, कहती है कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, ठीक है। मैं कहानी यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गायनो हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपना समस्या मेरे पास लेके कुछ और आई, मैंने उसको निदान कुछ और बताया, ठीक है। वो मेरे पास आई समस्या लेके कि सब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, तो मैं बीइंग ए डॉक्टर सबसे पहले यही शक करूंगा कि शायद ये प्रेग्नेंट है। वो लेडी आई मेरे पास, ठीक है, अनमेरिड तो है नहीं, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारा एससीजी टेस्ट करूंगा। एससीजी टेस्ट करने में कन्फर्म हो गया कि वो प्रेग्नेंट है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई कितने दिन पहले से आपका साइकिल रुका भाई बताओ, तो बोले कि रुका तो 3 महीने से ही है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास सोची तो जाऊंगी जाऊंगी लेट हो गया। मैंने कहा ठीक है, इतना लेट क्यों, तो जाओ 3 महीने बाद आना, और लेट करो 3 महीने, तो 3 महीने बाद, यानी कि टोटल 6 महीने प्रेगनेंसी का हो गया। आई मैंने उसके यूटरस में पल रहे बच्चे का जो फिटस है उसका मैंने दोनों, पहले तो सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया तो पता चला कि लड़की है, फिर मैंने दोनों ओवरी को चेक किया, हालांकि ये सब चेक करना पॉसिबल नहीं होता, बस कहानी बता रहे हैं आप, ठीक है। मैंने ओवरी ये, अब आप बोलोगे सर चेक नहीं किया तो फिर पता कैसे चला कि इतना उगुनिया होता है लाखों मिलियंस में, ये वो, तो ये सब देखो जो बच्चे मर जाते हैं उसका स्टडी किया जाता है मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। और फिर बोलोगे सर मिलियंस ऑफ उगुनिया को तुमको बैठ के गिनता नहीं है, अरे ये सब मतलब कि मेथड होता है कैलकुलेट करने का, ठीक है, ऑन एन एवरेज तरीके से मैथमेटिक्स लगा के निकाला जाता है, आप इतना डिटेल में मत घुसो, ठीक है। तो 6 महीने का प्रेगनेंसी हो गया था, तो मैंने उसके दोनों ओवरी को चेक किया, पता चला कि दोनों ओवरी मिला के मिलियंस ऑफ उगुनिया है। मैंने कहा मुबारक हो मैडम, आपके जो छोटी सी बेबी पल रही है अंदर में लड़की है, और उसके दोनों ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ उगुनिया पहुंच चुके हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फेज समाप्त हो गया है, मुबारक हो। तो बोले ठीक है, मैंने कहा ठीक है जाओ, अब आप 1 महीने के बाद आना। 1 महीने बाद आई, मैंने कहा मुबारक हो मैडम, वो सारे जो उगने छोटे छोटे अच्छे थे वो सब ग्रोथ शो कर रहे हैं, इसका मतलब आपने इस महीने में बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट को मेंटेन किया, अच्छा खाना पीना खाया आपने, ठीक है, और आपका जो है बेबी अंदर में जो पल रही है उसके सारे उगोनिया बड़े होकर इनलार्ज हो गए, प्राइमरी ऊसाइट यानी कि ग्रोथ फेज हो चुका है, लेकिन कुछ उगोनिया मर गए, ठीक है, जिसको न्यूट्रिएंट नहीं मिला ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट मर गए और प्राइमरी ऊसाइट बन गया। प्राइमरी ऊसाइट बनने के दौरान क्या हुआ, ग्रोथ फेज जो इस दौरान दो बातें हुई, प्री वाइटोलोजेनेसिस और वाइटोलोजेनेसिस। उस फिटस का लीवर तब तक बन गया था, वो यॉर्क बनाने लगा, लेसिथिन प्लस कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट, और उससे पहले प्री वाइटोलोजेनेसिस में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सब का कंटेंट वगैरह सब बढ़ा, ग्रोथ फेज हुआ, अभी बस डिवीजन नहीं हुआ, ग्रोथ फेज हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ा है, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, सब हो गया। फिर मैंने कहा जाओ मैडम 15 दिन बाद आना, ठीक है। 15 दिन के बाद आई, तो मैंने उनको कहा कि मुबारक हो मैडम, ये जो आपके जो एफ एस एच आ रहे हैं, थोड़े बहुत जो आपके एफ एस एच आ रहे हैं, उन्होंने इस एफ एस एच के म्यूसिस वन को स्टार्ट करवा दिया, और ये म्यूसिस वन प्राइमरी ऑफसेट कर रही है। फिर मैंने उनको कहा जो मैडम 15 दिन के बाद आना, 7:30 में मैंने पाई, तो मैंने कहा मुबारक हो मैडम, आपकी जो ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम थी उसकी सेल रैपिडली डिवाइड करके आके उस डिवीजन कर रहे हर प्राइमरी ऑफसेट को घेर के रोक लिया। बोले कैसे रोक लिया, मैंने कहा कि उस सेल्स ने जो उधर से डिवाइड करके आई स्पिंडल शेप की थी, उन्होंने रिलीज किया उस साइट मैचुरेशन इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है, प्रोटीनेसिस फैक्टर होता है, और उसके साथ बाइंड करके तो वो उसको रोक दिया वहीं पर, कहां पर, प्रोफेज बनके रिप्रोटीन स्टेज। नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल, 7:30 महीने के आसपास, मान लो कि 7:30 महीने से 8वें महीने में मान लो ये बन गया प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल 7:30 में, और वो फिर आगे और फॉलिकल सेल्स का नंबर बढ़ेगा, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल मान लो 8वें महीने पर बन गया। कितना बना, दोनों ओवरी मिला के 7 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन गया। मैंने कहा बाप जाओ, 8वें महीने की बात है, मैंने कहा बाप जाओ अब आप तब आना जब आपको लेवर पेन हो, ठीक है। तो गई लेवर पेन का टाइम आई, हॉस्पिटल्स में डिलीवरी हुआ, अब मैंने उसके जो बेबी उसने डिलीवर किया, मैंने उसके दोनों ओवरी को चेक किया, तो पता चला कि अब केवल 2 मिलियन का है प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ठीक है, अब ये सिंगल सेल नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसलिए फॉलिकल बोल रहे हैं। 2 मिलियंस क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। तो वो घबरा गई, बोले कि बर्थ से पहले तो 8वें महीने के आसपास जब ये था इंट्राउटरल लाइफ में, तब तो इसके आप बता रहे थे प्राइमोर्डियल फॉलिकल 7 मिलियन है, अभी 2 मिलियन केवल 5 मिलियन क्या हो गया, 50 लाख क्या हो गया। मैंने कहा डिस्ट्रॉय हो गया मैडम। बोले क्यों हो गया, क्या ना तो उसको फजत मिला ना ही उसको न्यूट्रेंट मिला, इतना कहाँ से मिलेगा न्यूट्रेंट, तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो बोली दिक्कत तो कोई बात नहीं, बोले नहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है, अभी और डिस्ट्रॉय होगा आगे। अब मैंने बोला कि अब जाओ, ये बेबी जब बड़ी हो जाएगी 10 साल की हो जाएगी, तब अब महीना महीना मेरे यहाँ आते रहना इसका चेकअप कराने के लिए।
तो फिर वो आने लगा 10वें महीने से आने 10वें साल से आने लगी। जब वो 13वें साल के आसपास पहुंची तब मुझे एहसास हुआ कि अब इसका प्यूबर्टी किसी भी दिन आ सकता है। तब मैं उसे डेली चेक करने लगा उसकी ओवरी को। जिस दिन मान लो GnRH आने वाला है उस दिन जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया तो उस समय वो घट के हो चुका था दोनों ओवरी मिला के 4 लाख। यानी कि अब देखो 2 मिलियन से 4 लाख यानी कि 20 लाख से लेके 4 लाख पहुंच गया। इस दौरान फिर 16 लाख क्या हो गए, बर्बाद हो गए। क्या प्राइमोडियल फॉलिकल, इसके अंदर प्राइमोसाइट डिप्लोटिंग में अटकी हुई है। अब मैंने उसको बोला अब आप जाओ 8 महीने के बाद आना, तब तक इसका क्या होगा एफएचएच अच्छे खासे मात्रा में आने लगेगा। तब तक क्या हो रहा है सारे प्राइमोडियल फॉलिकल को थोड़ा थोड़ा एफएचएच मिल रहा है, जिसको जिसको मिल रहा है वो कन्वर्ट होता जा रहा है किसमें प्राइमरी फॉलिकल में, किसमें प्राइमरी फॉलिकल। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी क्या हुआ प्राइमोडियल कन्वर्ट हुआ प्राइमरी। अब 8-9 महीने तक क्या हुआ लगभग 24 साल के आसपास सारे प्राइमोडियल प्राइमरी में कन्वर्ट हो। फिर मैंने जब उसका नंबर गिरा तो दोनों ओवरी मिला के अब पूरे हैं 1.2 से लेकर 1.6, जहाँ 4 लाख था प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बना मात्र 1.2 से 1.6, यानी कि एक ओवरी में 60,000 से 80,000। अब ये कब बात हो गई एट प्यूबर्टी, यानी कि वो अच्छे से प्यूबर्टी अटेंड कर चुकी है। अब मैंने कहा अब तो कुछ नहीं, अब तो इसका बस महीने महीने अब इसका चेक कराओ, अब महीने महीने जो होगा इसका होगा ठीक है। अभी सारे प्राइमरी फॉलिकल ऐसे ही रखे रहेंगे, कोई नया प्राइमरी फॉलिकल नहीं आने वाला है, जो है सो ऐसे रहेगा। अब हर महीने इतना पैसा चाहेगा कि 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल एक्टिवेट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने के लिए, तो 3 से 4 सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा और फाइनली 1 अर्ली टर्सरी और 1 टर्सरी फॉलिकल बनेगा। इस दौरान क्या क्या चेंजेस आए थे जल्दी जबरी पढ़ देता हूँ। प्राइमरी फॉलिकल क्या था, अंदर में सेकेंडरी साइड उसको चारों ओर से घिरी हुई थी क्या सेकेंडरी सॉरी चारों ओर से घिरी हुई थी फॉलिकुलर सेल्स, अब आप उसको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स भी कह सकते हो ठीक है। और इसी दौरान प्राइमरी ओसाइट की बात चल रही है, प्राइमरी ओसाइट ने प्राइमरी फॉलिकल जब बन रहा था कब प्राइमोडियल से प्राइमरी फॉलिकल जब बन रहा था इतना जबरदस्त डिवीजन हो रहा था कि भयानक प्रेशर पड़ने वाला केवल फॉलिकल सेल्स में जबरदस्त डिवीजन हो रहा था, तो प्राइमरी ओसाइट पे इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ने वाला था कि वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी। तो प्राइमरी फॉलिकल ने अपने चारों ओर म्यूकोपॉलीसेक्राइड की लेयर सिक्रीट कर ली जिसका नाम है जोना पेलुसिडा ठीक है। और इसी दौरान फॉलिकल सेल्स अपना नंबर बढ़ा रहा था, तो फॉलिकल सेल्स ने बोला कि हम इतना नंबर बढ़ाएंगे तो इधर से इधर हो जाएंगे, उन्होंने भी बाहर रिलीज कर लिया बेसमेंट में लेयर बेसमेंट में पेट, और बाहर कॉर्टेक्स की लेयर ने भी अपने आप को एक कॉर्टेक्स का लेयर बना लिया ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब ये हुआ कि प्राइमरी कन्वर्ट होना है सेकेंडरी में, तो कब होगा जब एफएचएच आएगा, एफएचएच आएगा तो उसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकुलर सेल्स में और डिवीजन कराएगा जबरदस्त डिवीजन करवाएगा। अब इतना डिवीजन से क्या होगा ठीक है, नंबर तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो कुछ पर्टिकुलर फॉलिकुलर सेल्स मतलब कि मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल्स बाहर की तरफ जाके स्पेशलाइज्ड होने लगेगी ठीक है, दाने दाने भी बना रहे इसलिए तो उसको ग्रैनुलोसा सेल्स बना रहे कह रहे हैं। तो अब ये स्टेज जहाँ पर कि थोड़ा सा साइज बढ़ा है बस और कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा साइज क्या हुआ बढ़ा है, और मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा के बाहर वाली सेल एक अलग रूप लेने को तैयार हो रही है, इसको आप बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल। ऐसा सेकेंडरी फॉलिकल मात्र 2 से 3 बनेगा, 3 से 4 मान लो बनेगा हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ऐसा नहीं कि आज एफएचएच आया और आज ही सारे के सारे प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दो, नहीं हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब तक उसका मेनोपॉज नहीं आएगा ठीक है। अब क्या हुआ 3 से 4 सेकेंडरी फॉलिकल बने, उस पर अब इतना को एफएचएच गिर पाएगा कि एक ही को आगे अर्ली टर्सरी में कन्वर्ट हो पाएगा। क्या होगा अभी और फॉलिकल सेल डिवाइड करेगी इन प्रेजेंस ऑफ एफएचएच, इतना डिवाइड करेगी कि और फ्लूइड भी सिक्रीट करने लगेगी, इतना डिवाइड करेगी फ्लूइड सिक्रीट करेगी अंदर में कई सारे कैविटी बन जाएगी, उसको बोलते हैं एंट्रम कैविटी और फ्लूइड को बोलते हैं एंट्रम फ्लूइड। और बाहर जो लेयर थी जिसको कॉर्टेक्स की लेयर हम बोल रहे थे थीका लेयर, कॉर्टेक्स की लेयर और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा को दोनों को मिला के बोल रहे थे थीका लेयर, अब वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, बाहर वाली थीका एक्सटर्ना अंदर वाली थीका इंटरना ठीक है। और ये पूरी की अच्छा ये थीका एक्सटर्ना क्या कर रहा है, पूरी की पूरी टर्सरी स्ट्रक्चर को पैक करके रख रहा है उंगली ठीक है, और थीका इंटरना खुद खुद वेस्कुलर है तो वो न्यूट्रिएंट देगी अंदर के सारे सेल को ठीक है। अब ये सारा सीन कहाँ का है टर्सरी अर्ली टर्सरी फॉलिकल का, एंट्रम कैविटी वगैरह बन चुका है, अभी अंदर में जोना पेलुसिडा के अंदर प्राइमरी ओसाइट ही है, लेकिन अब एफएचएच बाहर की तरफ सारा काम कर चुका है। और इसी दौरान जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है वो धीरे धीरे रिलीज करने लग गया इनहिबिन, और अब जो थीका इंटरना आ गया है वो रिलीज करने लग गया मेनली एस्ट्रोजन पार्शियली प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा भी सिक्रीट कर रही है ठीक है। अब इस इनहिबिन की वजह से क्या होगा एफएचएच का सिक्रेशन रुकने लगेगा, एफएचएच का सिक्रेशन रुकता है इनहिबिन के बाद एफएचएच का सिक्रेशन रुकने लगेगा, इंटरप्रिटरी को बोल के एफएचएच का सिक्रेशन रुकवा देगा मेनली एफएचएच का,
सब ऐसे रुकने लगेगा, सब ऐसे सोचेगा तो हम जाने वाले हैं, जाने से पहले अपना एक काम और कर दो, क्योंकि मेरा नाम गेमिटोकाइनेटिक फैक्टर भी है। तो वो क्या करेगा, अंदर में जो ना प्लेसोडा के अंदर पहुंच जाएगा, वहां पे जो प्राइमरी ऊसाइट डिप्लोटिन स्टेनमेट हुई थी उसका मियोसिस कंप्लीट करा देगा, तो बन जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट और थोड़ा सा पोलर बॉडी, पोलर बॉडी डीजनरेट कर जाएगी, नॉर्मली डीजनरेट कर जाती है, ठीक है। अब क्या बचा, सेकेंडरी ऊसाइट, इवन यही एफएसएच उस सेकेंडरी ऊसाइट का मियोसिस 1 भी स्टार्ट करवा दिया, सॉरी मियोसिस 2 भी स्टार्ट करवा दिया, लेकिन शुक्र करो इनविन का, वो इतना मारा एफएसएच को, इतना मारा एफएसएच को कि एफएसएच बीच में मर गया और वो मेटाफेज स्टेज में अटक गई। कौन? सेकेंडरी ऊसाइट, मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में अटक गई। अब ये अटकी रहेगी जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक। और अब फाइनली स्ट्रक्चर जो बना, नाउ दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्रेफियन फॉलिकल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, मैच्योर टर्शरी फॉलिकल। बोलो, ये कहानी अब आपको भी याद हो जाना चाहिए, जब भी फुर्सत में रहना ये कहानी को मन में दोहराते रहना, जितनी बार दोहराओगे उतना बार आपको, मैं यकीन मानो कि आप कोई भी बुक बनाना रिप्रोडक्शन का आपका बन जाएगा, बस इस कहानी को बार बार दोहराते रहना, दोहराते रहना, दोहराते रहना, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं, पहले एक बार आपके सामने हम टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब मैच्योर टर्शरी का। ये देखो क्या था, ये आपका क्या सेकेंडरी ऊसाइट है अभी, ठीक है, और इसके बाहर क्या है, जोना पेलुसिडा, ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। चलो अच्छा, मैच्योर टर्शरी बनने के दौरान क्या हो रहा था, मैच्योर टर्शरी जब बन रहा था तो अंदर में तो क्या हुआ, डिवीजन, लेकिन बाहर बाहर फ्लूड इतना सक्रिएट हुआ कि सारे कैविटी कंबाइंड हो गए, सारे कैविटी कंबाइंड हो गए, और उस दौरान कुछ सेल्स मेम्ब्रेन ग्लोसा की इससे चिपक गई, ये देखो कुछ सेल्स इससे चिपक गई, ये एक लेयर, दो तीन लेयर होती है यहाँ पे, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस लेयर को क्या बोले थे, क्यूमुलस ऑफ्रिकस, और इसके सबसे अंदर वाले लेयर, इस वाले लेयर को अलग नाम दिए थे, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, और ये ब्लू वाली और ये पीला वाली सबको मिला के एक साथ क्या बोलेंगे, बोलो, क्यूमुलस ऑफ्रिकस। और कुछ सेल्स मेम्ब्रेन ग्लोसा की बाहर की तरफ चली गई, और बाहर की तरफ किधर, ठीक है, इंटरना की तरफ चली गई, और उधर जाके वो क्या कर गई, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स चली गई, और वो अभी भी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ही कहला रही है, जो इनविन सीक्रेट कर रही है और थोड़ा बहुत अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज कर रही है, बाकी ये पूरा कैविटी किससे भर गया, एंट्रम फ्लूइड से, एंट्रम कैविटी का साइज बढ़ गया, ठीक है, देखो। लेकिन कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स ने क्या किया, इस क्यूमुलस ऑफ्रिकस को इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से जोड़ के रखा, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म हील, या इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलिजेरस, ठीक है। और बाहर की तरफ मेम्ब्रेना ग्लोसा की कुछ सेल्स जो डिफरेंशिएट हो रही थी सेकेंडरी फॉलिकल के समय से ही होना चाह रही थी, अब वो पर्टिकुलरली क्या कहलाने लगेगी, थीका इंटरना। उसके बाहर तक बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, और ये क्या है, थीका एक्सटर्ना, फाइब्रस लेयर है, थीका एक्सटर्ना तो आपको पता ही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, थीका एक्सटर्ना, जो क्या कर रही है, इस पूरे स्ट्रक्चर को पैक करके अभी रखी हुई है, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, अब इसमें सबका नाम आप लेबलिंग कर ही सकते हो, ये क्या था, ये पूरा एंट्रम कैविटी, एंट्रम फ्लूइड था। अच्छा, अंदर में अब हैप्लॉइड सेल है, सेकेंडरी ऊसाइट है कि नहीं, चलो अब मैं चाहूँ तो एक बार आप भी बोल देना, लेबलिंग में कर दूंगा जल्दी से फटाफट। ये बाहर वाली एक लेयर हो गई, ठीक है, उसके अंदर ये वाली लेयर हो गई, उसके अंदर ये वाली लेयर हो गई, उसके अंदर ये कैविटी और ये फ्लूइड हो गई, उसके अंदर ये पूरे लेयर का एक अलग नाम है, सुनना ध्यान से, इस पूरे लेयर का एक अलग नाम, इस पूरे लेयर का यहाँ से यहाँ तक अलग नाम है, क्या नाम है अभी बता रहे हैं, उसके बाद इसमें जो ब्लू वाली है उसका अलग नाम है, और अंदर में जो येलो वाली है उसका अलग नाम है, फिर अंदर में रेड वाली लेयर है उसका अलग नाम है, और फिर सबसे अंदर में ये क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट। अभी इसका भी नाम बताए थे आपको, अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी इसका भी नाम बताए थे, चलो एक एक करके नाम बताएगा, ठीक थीका एक्सटर्ना, ये हो गया थीका एक्सटर्ना, ठीक है, थीका इंटरना, ये हो गया थीका इंटरना, ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा,
MEMBRAN एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी इसमें। चलो आगे सर, इसमें तो दो ही नाम बताए थे ना, एक ब्लू वाले का एक अंदर येलो वाला। पहली बात तो इस तीनों को मिला के क्यूमुलस ऑफ्रिकस बोल रहे थे। क्यूमुलस ऑफ्रिकस हाँ। और उसमें बाहर वाली जो दो लेयर है उसको बोलते हैं क्या, ये क्यूमुलस ऑफ्रिकस के बाहर वाली दो लेयर है, तो इसको सिंपली बोल दो आउटर लेयर ऑफ क्यूमुलस ऑफ्रिकस। इसका कोई नाम नहीं अलग से। हाँ ये पीला वाले का नाम है, क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। चलो अंदर जोना पेलुसिडा। उसके अंदर जोना पेलुसिडा। चलो उसके अंदर सेकंड हैप्लोइड सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट वो मान लो पोलर बॉडी मल गया, सेकेंडरी हैप्लोइड ओसाइट। और ये वाली लेयर क्या है? जर्म हिल। या तो जर्म हिल बोल दो इसको, या तो डिस्कस प्रोलिजरस। चलो माइक बंद करो। और ये मेटाफेज में अटकी हुई है, मेटाफेज टू में। अब बताओ कितना कहानी सुना है, इतना कहानी सुना है कि आपको ये स्ट्रक्चर अब आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम बिल्कुल आसान लग रहा होगा। मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल बोलो या ग्रेफियन फॉलिकल बोलो, ठीक है? अब आपको ये एकदम आसान लग रहा होगा कि हाँ सर यहाँ तक कैसे बना। अब इसके बाद क्या होना है सुनना ध्यान से। पता है ये कब बना है? ये कब बना पता है? मैंने बताया था ये बना है मेनिस्कस साइकिल के 14th डे को। कब बना है? 14th डे को। इसके पीछे चलो, इसके पीछे कौन था? मैं रिवा माई कौन करो, अर्ली टर्शियरी फॉलिकल कब बन गया था? 11वें से 12वें दिन तक, ठीक है? तो 11 से 12वें दिन तक उसके पीछे कौन था अर्ली टर्शियरी के पीछे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी 10वें दिन तक आसपास बन गया था सेकेंडरी फॉलिकल। उससे पहले आओ बोले सेकेंडरी फॉलिकल, एक मिनट रुको, सेकेंडरी फॉलिकल लगभग 8वें से 10वें दिन तक में बन गया, ठीक है? उससे पहले उससे पहले प्राइमरी फॉलिकल था, तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनने में भी तो समय लगेगा ना। तो माल अभी तो एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बता रहे, ये समझो कि प्राइमरी फॉलिकल जो बनना स्टार्ट होता है सेकेंडरी में वो 5वें दिन स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन। तो 5वें दिन स्टार्ट हुआ, 5 दिन जोड़ो तो 10वें दिन में सेकेंडरी फॉलिकल बना, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 दिन तो ब्लीडिंग होता है, हम लोग उल्टा ही पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग के 5 दिन तो ब्लीडिंग हुआ, फिर 5वें से 10वें दिन के आसपास तक में सेकेंडरी फॉलिकल, फिर अगले 3 दिन तक में अर्ली टर्शियरी फॉलिकल, फिर अगले 2 दिन में टर्शियरी फॉलिकल बन के तैयार। अब बन के तैयार है, ये कहाँ है? ये स्ट्रक्चर भी कहाँ है? क्या सर? ये स्ट्रक्चर अभी कहाँ है? ये ओवरी के कॉर्टेक्स में। ओवरी के कॉर्टेक्स, ओवरी पूरी चारों तरफ से पैक है। ओवरी का लेयर याद है ना कौन कौन? सबसे बाहर कौन है? जर्मिनल, सबसे बाहर जर्मिनल एपिथेलियम वाली लेयर याद है, उसके अंदर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यहाँ उल्टा होता है। अच्छा उस जर्मिनल एपिथेलियम के बाहर भी विसरल पेरिटोनियम, और यहाँ पे उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम और उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया और उसके अंदर कॉर्टेक्स। अब सोचो और उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट पैक है। अब ये बाहर जाना चाहती है कौन? सेकेंडरी ओसाइट। और बाहर जाएगी ना तो अपने साथ हैप्लॉइड तो सेकेंडरी ओसाइट खुद जाएगी, अपने साथ जोना पेलुसिडा और अपने साथ एटलीस्ट कोरोना रेडिएटर लेके जाएगी। अगर क्यूमुलर ऑफ्रिकस की कुछ चल जा पाई तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट कोरोना रेडिएटर तो लेके जाएगी। कैसे जाएगी समझना ध्यान से। होता क्या है, FHH की मात्रा 5वें दिन से ही आने लग गई थी, तभी तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से मैच्योर टर्शियरी बना। FHH बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है आपको बताएंगे हम। FHH बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? अभी मेनली इस थीका इंटरना से आ रहा है एस्ट्रोजन। कौन आ रहा है? एस्ट्रोजन। इससे भी आ रहा है एस्ट्रोजन और थोड़ा बहुत इससे भी आ रहा है एस्ट्रोजन। और केवल अगर अकेला एस्ट्रोजन बढ़े हाई अमाउंट में, प्रोजेस्टेरोन तो बहुत कम है अभी, केवल अकेला एस्ट्रोजन बढ़े हाई अमाउंट में तो वो GnRH को देता है पॉजिटिव फीडबैक। तो GnRH बढ़ता जा रहा है, FHH बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, LH भी बढ़ रहा है,
एलएच भी बढ़ रहा है, एलएच भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी एलएच का कोई रोल दिख नहीं रहा है। एफएचएस बढ़ता जा रहा है, एफएचएस अपना काम करता जा रहा है, पहले तो फॉलिकल सेल में डेवलपमेंट और बाद में अंदर में प्राइमरी से सेकेंडरी साइड बनाने में रोल प्ले किया। लेकिन आपको पता है जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बना तब से ही मेम्ब्रेन ग्लूकोसा ने क्या रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था, इनहिबिन। तो एफएचएस का अमाउंट उतना नहीं बढ़ रहा था जितना एलएच का बढ़ रहा था। अगर एफएचएस का बढ़ रहा था 2 से 4 गुना तो उसका एलएच का बढ़ रहा था 6 से 10 गुना नॉर्मल की तुलना में, बढ़ता जा रहा है। 14वें दिन एलएच इतना पीक पे रहेगा, इतना पीक पे रहेगा कि पूरे स्ट्रक्चर को जोर से लात मारेगा सेकेंडरी साइड को और वो बाहर निकलेगी, सारी दीवार को चीरते हुए ओवरी के बाहर निकल जाएगी। अब लोग सर ये लात मारने वाला कौन सा वर्ड आ गया यहाँ पे, ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ ऐसे ही ताकि आपको याद रहे। एक्चुअल में होता क्या सुनना जानते, एक्चुअल में ये होता है कि एलएच कुछ एंजाइम्स बनवाता है, एलएच कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कुछ मेम्ब्रेन लाइटिक एंजाइम बनाता है, मतलब कि पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को तोड़ने वाले एंजाइम बनाता है। कौन? एलएच बनाता नहीं है, बनवाता है, एलएच की प्रेजेंस में वो एंजाइम बनता है। वो एंजाइम क्या करेगी, इस लेयर को यहाँ पे कैविटी है, इस लेयर को मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, इन सभी को तोड़ देगी। क्या करेगी, इन सभी को एलएच की प्रेजेंस में बनने वाले एंजाइम इन दीवारों को तोड़ देगी। लो तोड़ दी। अब मुझे बताओ इसके अंदर एंट्रम कैविटी में बहुत सारा प्रेशर पहले से थकने था, बोलो उस प्रेशर को रिलीज करने, अच्छा यहाँ पे भी से भी तोड़ा जाएगा, ये जर्म हील भी तोड़ा जाएगा। अब बताओ प्रेशर तो बहुत सारा था ये अंदर में एंट्रम कैविटी में, उस एंट्रम कैविटी ने अपना रिसाव शुरू किया, यहाँ से वो बाहर निकलना शुरू किया और उसी के साथ ये भी बाहर निकल गया। कौन? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, कौन कौन? ये सेकेंडरी साइड जोना पैलेसिडा कोरोना रेगेटिया और कुमुलस ऑप्टिकस। अगर कुमुलस ऑप्टिकस की कुछ लेयर डिजॉल्व हो गई तो हो गई, ठीक है, लेकिन कोरोना रेगेटिया डिजॉल्व नहीं हुई। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहाँ गया, बाहर। लो लो बाहर आ गया। लो बताओ रिभा कहाँ आएगा बाहर, कहाँ आएगा बाहर, कहाँ पे आएगा वो? अतीक सिलोम में, सिलोम में आएगा सब, इसलिए तो ह्यूमन के एक्ट को सिलोमिक एक्ट कहते हैं, सिलोम में आ गया। और ये क्या है बाहर, कोरोना रेडिएटा। इतना तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, कन्फर्म। बाहर में अगर कुछ सेल रहे कुमुलस ऑप्टिकस के तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बोलो ये प्रोसेस क्या कहलाया, ओव्यूलेशन। अभी भी ओव्यूलेशन नहीं, रुको, अभी तो कहाँ से निकला है, उस टर्शियरी फॉलिकल से बाहर। अभी मान लो कि ये क्या थी, ये सारा काम कहाँ चल रहा है, ओवरी की कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो भाई ओवरी की भी दीवारें हैं, तो वही एंजाइम जो यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना को तोड़ा है, वही एंजाइम ओवरी की पूरी दीवारों को तोड़ देगा, जितनी भी लेयर है, कहीं से भी तोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे से, यहाँ से भी तोड़ सकता है, यहाँ से भी, कहीं से भी, जहाँ जगह मान लो यहाँ से तोड़ दिया, अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर निकल जाएगा। पहले तो यहाँ से यहाँ आया, अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर निकल जाएगा बाहर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। और ये कब हुआ, मेनेसा साइकिल के 14th डे को हो गया। कब हुआ? मैं अब बोलोगे सर कौन सा एंजाइम है, वो आगे बता दूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। तो 14th डे को ये बाहर निकल गया, दिस इज ओव्यूलेशन, सिलोम में चला गया। अब बताओ जहाँ ओवरी है उसके बाहर सिलोम है, लेकिन ओवरी को चारों ओर से कौन घेरा हुआ है, बोलो रिवा, ओवरी को चारों ओर से कौन घेरा हुआ है, रिभा? विसरल पेरिटोनियम? नहीं, ओवरी को हम बोल रहे हैं चारों ओर से कवर, नहीं ओवरी की कवरिंग नहीं पूछ रहे, ओवरी को चारों ओर से सराउंडिंग में कौन है, ओवेरियन फिम्बरी। ओवेरियन फिम्बरी, और ओवेरियन फिम्बरी आगे कंटिन्यू होता है किसमें, इनफंडिबुलम में, और इनफंडिबुलम, माइक बंद करो, इनफंडिबुलम में अंदर ही अंदर एक छेद होता है। तो मान लो ये ओवरी था, मान लो ये ओवरी था और यहाँ से निकला सेकेंडरी साइड जोना पैलेसिडा कोरोना रेडिएटा के साथ, जस्ट बगल में सिलोम है और उसके बगल में ये वाला जो फिम्बरी है, ऐसे कैच किया और यहाँ पे अंदर में क्या है, छेद, उस छेद में डाल दिया। अब उसके बाद इस इनफंडिबुलम में क्या लगा हुआ है, सिलिएटेड एपिथीलियम और मसल्स, बताएंगे आगे। तो वो मस्कुलर कॉन्ट्रक्शन करा के और सिलेटेड एपिथेलियम सिलियरी मूवमेंट करा के उसको फाइनली पहुंचा देगा एम्पुला में। कहाँ पहुंचा देगा, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर। अब वहां पे वो सेकेंडरी साइड स्पम का 2 दिन तक वेट करेगी, कहाँ, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर। अगर स्पम आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर नहीं आया
तो ये सेकेंडरी ओसाइट स्पर्म की याद में तरफ तरफ के अपनी जान दे देगी वहीं पर एम्प्लोरिसमल जंक्शन पे। ये तो बात हुआ किसका, सेकेंडरी ओसाइट का, जो उधर चली गई और जो उस ओवरी के अंदर ही रह गई, कौन? रैप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल। क्या रही? रैप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल। बताओ अब मैं रैप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल में इन चीज का डायग्राम मिटा दूंगा, किसका, इसका मिटा दूंगा। चलो इसका डायग्राम मैंने मिटा दिया, बाकी तो सब कुछ रखा हुआ है। लो ये गई, ये गई, ये गई, ठीक है। चलो ये गई ये गई, ठीक है, ये गई, बाकी चीज तो रखा हुआ ही है। अरे बोलो, बाकी चीज तो रखा हुआ ही है, इसका क्या होगा? वो तो बाहर चली गई। चलो बाकी चीज तो रखा हुआ है, इसका क्या होगा? ये धीरे धीरे श्रिंक करेगी, ये धीरे धीरे श्रिंक करेगी। अब सुनना ध्यान से, ये भी बाहर जा चुकी है, बाहर निकाल दें इसको। अब इसको बाहर निकाल चुके हैं, मान लो वो बाहर जा चुकी है। अब बताना, ये तो कॉर्टेक्स में हो रहा था। मैंने क्या बोला था कि ये ओवरी की दीवारें हैं, बीचों बीच मैंने कॉर्टेक्स छोटा बनाया, मेडुला होता है याद है, ऐसे मेडुला, मेडुला में ब्लड कैपिलरी होता था याद है याद है। तो अब क्या होता है ना, कुछ ब्लड कैपिलरी इसके अंदर ग्रो करने लगती है, जो रैप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है। अब इसको क्या नाम दोगे? रैप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल। क्या नाम दोगे? कब हुआ? 14वें दिन। 14वें दिन के बाद इसके अंदर कुछ ब्लड कैपिलरी क्या करने लगती है? ऐसे ऐसे अंदर जाने लगती है। क्या जाने लगती है? अंदर। अब बताओ, ब्लड कैपिलरी अगर अंदर जाने लगेगी तो ये पूरा स्ट्रक्चर, बाहर थीका इंटरना, बाहर थीका एक्सटर्ना, अंदर थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, एंट्रम कैविटी, सब है। अभी एंट्रम कैविटी का फ्लूइड भले ही बर्बाद हो गए, ठीक है, जर्म हिल सब है, ये ब्लड कैपिलरी अंदर जाके ग्रो करने लगेगी, वही एंट्रम कैविटी में ग्रो करने लगेगी। तो बताओ नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर रेड कलर का दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। इसको बोलते हैं कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। इसको बोलते हैं अब रैप्चर ग्रेफियन फॉलिकल के बाद अब नाम आगे बढ़ेगा और अब उसका नाम होगा कॉर्पस हीमोरेजिकम, हीमोरेजिकम। हीमो मतलब रेड, रेड हीमोग्लोबिन, रेड उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरी अंदर ग्रो करने लगा, कौन? वही कॉर्टेक्स के बगल में मेडुला था। नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस हीमोरेजिकम। अब क्या होगा सुनना ध्यान से, यह कॉर्पस हीमोरेजिकम जो है, इसके ब्लड कैपिलरी जो अंदर ग्रो कर गए, उससे कुछ ब्लड सेल्स बाहर निकल जाएंगे ब्लड सेल्स, और वो ब्लड सेल्स मरने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? मरने लगेंगे। और उसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है खुद, उसमें जो पोरफायरिन रिंग होता है ना, वो मॉडिफाई होने लगता है और वो एक अलग पिगमेंट बना देता है जिसका नाम होता है ल्यूटीन पिगमेंट। क्या नाम होता है? ल्यूटीन, येलो कलर का होता है। नाउ द हीमोग्लोबिन पिगमेंट गेट कन्वर्टेड इनटू ल्यूटीन पिगमेंट व्हिच लुक्स येलोइश इन कलर। सो नाउ द कंप्लीट स्ट्रक्चर टर्न्स फ्रॉम रेड टू येलो। सो नाउ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। कब हुआ ये? सुनना ध्यान से, ये कब बना था? 14वें दिन। 2 दिन लगा इसको बनने में, मान लो 16वें दिन, और अगले 3-4 दिन मतलब कि 23वें दिन तक क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कई लोग 14वें दिन के बाद से ही कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगते हैं, गलत बात। हाँ, आप इस कॉर्पस हीमोरेजिकम को इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कह सकते, लेकिन दिस इज नाउ नॉट कॉर्पस ल्यूटियम, because now lutein pigment is not formed. अभी तो blood capillary आ रही है, red red दिखेगी, इसलिए बोला corpus hemorrhagicum या red body. तब आगे चल के hemoglobin मरने लगा, hemoglobin का conversion होने लगा RBC के मरने से, तब lutein pigment बना, तब बोले इसको corpus luteum. अब बताओ इस पूरे corpus luteum बनवाने में रोल किसका है? LH का, क्योंकि LH ovulation नहीं कराता, तो blood capillary grow नहीं करती, ब्लड कैपिलरी अंदर जाती नहीं एंट्रम कैविटी में, हीमोग्लोबिन टूटता नहीं, ल्यूटीन पिगमेंट बनता नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनवाने का किसका रोल है? एलएच का। इसलिए तो उसका नाम है ल्यूटीन एजिंग हार्मोन। अरे नाम पकड़ो, इसलिए तो उसका नाम है ल्यूटीन एजिंग हार्मोन। एंडोक्राइन में बताए थे FSH और LH का जो नामांकन हुआ है फीमेल के फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हुआ है। फीमेल में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाया, LH ल्यूटीन एजिंग हार्मोन कहलाया, क्योंकि ल्यूटीन पिगमेंट को बनवाने के लिए अल्टीमेटली LH ने ही सारा काम किया, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम मर गया, अब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा इसकी चर्चा करते हैं हम अगले मीटिंग में। मैं चाहूंगा आप यहां तक जल्दी से पढ़ लीजिए नोट्स में, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए नोट्स में कहां तक पढ़ना है, वैसे नोट्स में बहुत सारा चीज करेक्शन करना है, हम करके पेंसिल से भेज देंगे।
अभी फिलहाल जो आपको पढ़ना है ये पढ़ लेना है। भाई पेश तो नहीं हो रहा है क्या? पेश तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पढ़ लो उसको नोट्स में खोज के, मिलते हैं अगले मीटिंग में।